अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ डलगोना कॉफ़ी की रेसिपी दो तरीक़ों से। ये इंटरनेट पर काफ़ी ट्रेंडिंग में है और बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही आसानी से बन जाएगी। तो चलिए बनाते हैं ये मज़ेदार कॉफ़ी। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि नई नोटिफिकेशन मिल सके। इसके लिए एक बाउल में 2 टेबल स्पून कॉफ़ी ले रही हूँ मैं। अब इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून शक्कर और 2 टेबल स्पून गर्म पानी। पहले हम मशीन से बनाएंगे, इसे व्हिप करना है जब तक इसका कलर लाइट ना हो जाए। देखिए थोड़ी देर व्हिप करने के बाद इसका कलर हल्का सा लाइट हुआ है, लेकिन इसे अभी और व्हिप करना है। देखिए ये थोड़ा सा और चेंज हुआ है, देखिए, लेकिन अभी ये परफेक्ट नहीं है, इसे कुछ देर और हमें व्हिप करना होगा। देखिए ये अभी परफेक्ट है, देखिए कितनी अच्छी ज़बरदस्त बनी है। अब यहाँ पर एक ग्लास में ठंडा दूध ली हूँ मैं, इसमें 1 टेबल स्पून शक्कर ऐड करके इसे मिला लेंगे अच्छी तरह से। अब एक सर्विंग ग्लास लेंगे, इसे चॉकलेट सिरप से गार्निश करेंगे जिससे ये दिखने में भी अच्छी लगेगी। अब इसमें हम आइस क्यूब्स डालेंगे 3 से 4। अब जो शक्कर मिलाकर हमने दूध बनाया था वो ऐड करेंगे और व्हिप की हुई कॉफ़ी ऐड करेंगे ऊपर से। कॉफ़ी लवर्स को बहुत पसंद आती है ये कॉफ़ी, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसे चॉको चिप्स से गार्निश करेंगे। अब ये रेडी है, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। जितनी दिखने में ये अच्छी लग रही है उससे ज़्यादा टेस्टी बहुत है ये। चलिए अब विदाउट मशीन बनाते हैं। यहाँ पर एक बाउल में 2 टेबल स्पून कॉफ़ी ले रही हूँ मैं, 2 टेबल स्पून शक्कर और 2 टेबल स्पून गर्म पानी। अब इसे मिक्सर से बीट करेंगे हम। इसका भी कलर लाइट होने तक हमें इसे बीट करना है। देखिए हल्की सी गाढ़ी होने लगी है, देखिए कलर भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है। कुछ देर और फेंटेंगे हम इसे। कंटिन्यू 10 मिनट्स तक इसे बीट करने के बाद ये अच्छी तरह से बन चुकी है, देखिए परफेक्ट है ये। इसके लिए एक ग्लास ठंडा दूध लिया है मैंने, इसमें 1 टेबल स्पून शक्कर ऐड करेंगे और इसे मिला लेंगे। अब यहाँ पर सर्विंग ग्लास में हम बर्फ डालेंगे 3 से 4 क्यूब साइज। अब ठंडा दूध जो है शक्कर मिला हुआ वो ऐड करेंगे और ऊपर से हम ये व्हिप की हुई कॉफ़ी ऐड करेंगे। इन गर्मियों में आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये कॉफ़ी, बहुत ही टेस्टी लगती है। कॉफ़ी स्प्रिंकल करके गार्निश करेंगे इसे। अब ये रेडी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।